जो मारो भक्त जितेन्द्रिय न थई सक्यो तो पण मारा प्रति वृद्धि पामती भक्तिना प्रभाव थी तेनी विषय वासना दूर थती जाय छे। तेने विषयो क्यारेक दबावी दे छे तो पण ते तेनाथी प्रभावित थतो नथी, कारण के हूँ तेनी रक्षा करू छूं। जेम प्रचंड अग्नि बधा लाकड़ा ने बाड़ी ने भस्म करी दे छे, तेज प्रमाणे मारी भक्ति पण सगड़ा पाप समूहों ने निःशेष भस्म करी नाखे छे। हे उद्धव, मारा स्वरूप मा विकसेली मारी भक्ति मने जेटला प्रमाण मा पोतानो बनावे छे तेटला प्रमाण मा योग शक्ति सांख्य तत्वज्ञान वैदिक कर्म वेदाभ्यास तपस्या के त्याग मने पोतानो बनावी सकता नथी। हूँ संतोनो प्रिय छूं, तेमनो आत्मा छूं, एकमात्र श्रद्धा भक्ति थी ज हूँ तेमने प्राप्त थई जाऊं छूं। जो कोई जन्मथी ज चांडाळ होय तो पण मारी भक्ति थी ते शुद्ध पवित्र थई जाय छे। जो कोईए सत्य अने दयापूर्वक धर्मनु पालन कर्यो अथवा कोईए तपस्यापूर्वक विद्याभ्यास कर्यो परंतु ते जो मारी भक्ति थी रहित छे तो आवा धर्म अने अभ्यास तेने पवित्र करी सकता नथी। भक्ति करता करता हृदय रोमांच न अनुभवे, चित पिगड़ी न जाय, आनंद थी अश्रुओ न छलकाय, त्यां सुधी भक्तनु हृदय पूर्ण रूपे शुद्ध थतु नथी। ज्यारे भक्तिनो प्रवाह वधे छे त्यारे तेनी वाणी गदगद थई जाय छे, चित भक्ति रसथी द्रवे छे, हे प्रभु तमे क्यां छो, आ रीते क्यारेक प्रलाप करतो रहीने रड़े छे तो क्यारेक हसे छे, संकोच मुकीने क्यारेक ऊंचा स्वरथी गाय छे तो क्यारेक नाचे छे, एवो मारो भक्त समस्त संसारने पवित्र करे छे। जेम अग्निमां तपाववाथी सोनू शुद्ध थई जाय छे ते तेना मूळ रूपमां चमकवा लागे छे, तेज प्रमाणे पुरुष ज्यारे मारी भक्ति करे छे तो ते भक्ति योग द्वारा पोतानी कर्म वासनाओनो नाश करीने पोताना निज स्वरूप एवा मुझ परमात्मा ने प्राप्त थई जाय छे। उद्धव जी, मारी परम पवित्र लीला कथाओना श्रवण कीर्तन थी जेम जेम चित्तनो मेल धोवातो जाय छे तेम तेम तेने सूक्ष्म वस्तुना वास्तविक तत्वना दर्शन थवा लागे छे। जे पुरुष निरंतर विषयोनु चिंतन करे छे तेनु चित विषयोमां फसाई जाय छे, अने जे मारु स्मरण करे छे तेनु चित मारामां तल्लीन थई जाय छे। असत वस्तुओनु चिंतन स्वप्नना मनोरथोनी जेम मिथ्या छे तेथी सतत वस्तुओनु चिंतन छोड़ीने मारु चिंतन करवुं जोईए, मनने मारामां जोड़ी देवुं जोईए। प्रिय उद्धव, स्त्रीओना संगथी अने स्त्री लंपटोना संगथी जे रीते दुखोनी परंपरा वधे छे तेवी बीजा कोईना संगथी वधती नथी, तेथी साधके पोतानी इंद्रियोने वशमां करीने स्त्रीओनो अने लंपटोनो दूरथी ज त्याग करी देवो जोईए। एकांत अने पवित्र स्थानमां बेसीने सावधानी पूर्वक मारू चिंतन करवुं जोईए। उद्धवजीए पूछ्यू, हे कमर नयन श्याम सुंदर, मुमुक्षुए आपनु ध्यान कई रीते करवुं जोईए, कई रीते रहेवुं जोईए तथा आपना क्या स्वरूपनु ध्यान करवुं जोईए ते जणाववानी कृपा करो। भगवान श्री कृष्णे कह्युं, प्रिय उद्धव, जे न बहु ऊंचू होय के न बहुज नीचू होय एवा आसन पर शरीरने टट्टार राखीने साधके आरामथी बेसवुं, हाथने पोताना खोड़ामां राखवा अने दृष्टि नासिकाना अग्रभाग पर राखवी, त्यार पछी पूरक कुंभक अने रेचक तथा रेचक कुंभक अने पूरक आवा प्राणायाम द्वारा नाड़ीओनी शुद्धि करवी, प्राणायामनो अभ्यास धीरे धीरे वधारता रहेवुं अने साथे साथे इंद्रियोने वश करवानो अभ्यास पण करवो। प्राणायाम बे प्रकारना छे, एक सगर्भ अने बीजो अगर्भ, एटले के आमनानो सगर्भ ओमकार युक्त होय श्रेष्ठ छे, माटे तेना विशे अहीं कह्यो छे। ओमकार मूलाधारथी मांडीने
छेक मस्तकना छेड़ा सुधी कमरना नाड़नी अंदरना तंतु जेवो सूक्ष्म रहेलो छे। तेने मननी अंदर प्राणथी प्रगट करी तेमा घंटनाद जेवो उदात्तनाद स्थिर करवो। आ प्रमाणे दिवसमा त्रण काळमा दस दस वार ओमकार युक्त प्राणायामनो अभ्यास करवो। आ प्रमाणे करवाथी साधक एक महीनानी अंदर ज प्राणवायुने वश करी ले छे। त्यार पछी एवुं चिंतन करवुं के हृदय रूपी एक कमळ छे जेनी नाड ऊपर छे अने मुख नीचे छे। हवे एवी रीते पहेलाथी उलटू ध्यान करवुं के ते कमळ नीचा नाड़ा वाळू ऊंचा मुख वाळू खीलेलू आठ पाखड़ियों वाळू अने वच्चे कड़ी वाळू छे। कड़ी ऊपर क्रमशः सूर्य चंद्रमा अने अग्निनो न्यास करवो जोईए। त्यार पछी अग्निमा मारा आ रूपनु एटले के श्री कृष्णनु स्मरण करवुं जोईए। मारू आ स्वरूप ध्यान माटे अत्यंत मंगलमय छे। भाई उद्धव, मारा आ स्वरूपनु ठीक ध्यान धरवुं। आ स्वरूप सर्व अंगे सुकोड छे, वेशभूषाथी अत्यंत शांत स्वरूप छे, सुंदर मुखारविंद वाळू छे, घूटणों सुधी लांबी अने अत्यंत मनोहर चार भुजा वाळू छे, डोक अत्यंत सुंदर छे, कपोल मनगमता मनोहर छे, स्मित हास्य उज्ज्वल अने अत्यंत पवित्र छे, बन्ने कानोमा मकराकृत चढ़कता कुंडलो छे, वर्षाकालना मेघ जेवा श्याम श्री अंग पर सुवर्ण जेवी कांतिनु पीतांबर शोभी रह्यो छे। वक्षस्थल में एक बाजू श्री वत्सनु चिन्ह तथा बीजी तरफ श्री लक्ष्मी जी विराजमान छे। श्री हस्त में शंख चक्र गदा अने पद्म धारण करेला छे। गड़ा में वनमाड़ा शोभी रही छे, चरणों में नुपुर शोभी रहिया छे, गड़ा में कौस्तुभ मणि जड़हड़ी रहियो छे, पोतपोताना स्थाने चढ़कता मुगट कंकण कंदोरो अने बाजूबंद शोभी रहिया छे। बदाज आभूषणों मनोहर हारी छे, सुंदर मुखारविंद अने प्रेम भरी दृष्टि थी चो तरफ कृपा दृष्टि थई रही छे। उद्धव, मारा आ सुकुमार स्वरूपनु ध्यान करवुं जोईए अने पोताना मनने एक एक अंगमां स्थिर करवुं जोईए। बुद्धिमान मनुष्ये मन द्वारा इंद्रियोने तेमना विषयोमांथी खेंची लेवी जोईए अने मनने बुद्धिरूपे सारथीना सहयोगथी મારામાં પરોવવું જોઈએ। જ્યારે મારા પૂરા સ્વરૂપનું ધ્યાન થઈ જાય ત્યારે પોતાના ચિત્તને ખેંચીને એક સ્થાનમાં સ્થિર કરવું અને અન્ય અંગોનું ચિંતન ન કરતા કેવળ મંદ મંદ હાસ્યયુક્ત મારા મુખારવિંદ પર દ્રષ્ટિ કરવી। જ્યારે ચિત્ત મુખારવિંદ પર સ્થિત થઈ જાય ત્યારે તેને ત્યાંથી હટાવીને આકાશમાં સ્થિર કરવું। ત્યાર પછી આકાશનું ચિંતન પણ છોડીને સર્વના કારણ મારા સ્વરૂપમાં તે ચિત્તને સ્થિત કરવું અને પછી તે કારણ રૂપનો પણ ત્યાગ કરી શુદ્ધ બ્રહ્મ એવા મારામાં આરૂઢ થઈ મારા સિવાય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુનું ચિંતન ન કરવું। જ્યારે આ પ્રમાણે ચિત્ત એકાગ્ર થઈ જાય ત્યારે જેમ એક જ્યોતિ બીજી જ્યોતિમાં મળીને એક થઈ જાય છે તેવી જ રીતે સાધક પોતાનામાં મને અને મુજ સર્વાત્મામાં પોતાને અનુભવે છે। આ પ્રમાણે તે એક ભાવથી મારામાં સ્થિત થઈ જાય છે। જે યોગી આ પ્રમાણે તીવ્ર ધ્યાન યોગ દ્વારા મારામાં પોતાના ચિત્તને પરોવી દે છે તેનો દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાના સંબંધમાં ભેદ બુદ્ધિનો ભ્રમ મટી જાય છે। એટલે કે સર્વ પદાર્થોના રૂપમાં એક પરમાત્માની જ સત્તા દેખાય છે, જ્ઞાનમાં માત્ર પરમાત્મા જ રહી જાય છે, ક્રિયા પણ બધી જ પરમાત્માને માટે જ થાય છે। આ પ્રમાણે તેને સર્વત્ર પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ દેખાવા લાગે છે, પછી તેને તત્કાળ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે। 11મા સ્કંધ અંતર્ગત 14મો અધ્યાય સમાપ્ત। જય શ્રી કૃષ્ણ।